हेलो एलो फियार, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप एडुजोन। और आज के वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से अगर आर्टिकल या निबंध लिखने के लिए आता है, ऐसे लिखने के लिए आता है कोविड-19 के ऊपर, तो आप किस तरीके से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कोविड-19 के बारे में क्या क्या हमने लिखा है। और इस तरीके के ऐसे लिख कर जिस तरीके का मैटर हमने लिखा है, इस तरीके से आप लिख कर बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड-19 पहले तो हेडिंग डाल लीजिए आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से। उसके बाद आप देखिए क्या क्या लिखा है। समवन हैज़ करेक्टली सेड, तो कुछ कोट जरूर लिखें जब भी ऐसे लिखते हैं। समवन हैज़ करेक्टली सेड दैट, किसी ने सही ही कहा है। क्या कहा है? सेड, समवन हैज़ करेक्टली सेड। तो यहाँ पर समवन हैज़ करेक्टली सेड लिखेंगे, दैट की जरूरत नहीं है। समवन हैज़ करेक्टली सेड इफ़ हेल्थ इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। तो यहाँ पर डबल कोट में बड़ी सुंदर सी हैंड राइटिंग में आप डाल दीजिए, यदि हेल्थ चली जाती है तो सब कुछ चला जाता है, जब स्वास्थ्य है तभी तक सब कुछ है, सब जीवन के सारे आनंद हैं। तो यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है, ए हेल्दी पर्सन वेदर रिच और पुअर लिव्स मोर हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ देन एनी रिच पर्सन हैविंग अ डिजीज्ड बॉडी। तो यहाँ पर लिखा है कि एक हेल्दी पर्सन जो होता है, भले वो रिच हो या पुअर हो, वो ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा पीसफुल लाइफ जीता है बजाय उसके जो रिच पर्सन है और उसका जो शरीर है वो बीमारियों से पीड़ित है, डिजीज्ड बॉडी है। नाउ आ डेज अ न्यू रेस्पिरेटरी डिजीज, तो आजकल क्या है, कह रहा है कि एक नई प्रकार की रेस्पिरेटरी श्वसन प्रक्रिया से रिलेटेड डिजीज जो है, बीमारी है, जिसको कोविड-19 कहा जा रहा है, इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये क्या कर रही है, पूरी दुनिया में फैल रही है। तो ये इज स्प्रेडिंग इसलिए लगा है क्योंकि ये अभी करेंटली चल रहा है। अगर वैसे आएगा तो हेड स्प्रेड आ सकता है यहाँ पर, कि मतलब फैल गई थी, जब ये बात पुराने हो जाएगी तो इसी निबंध को आप थोड़े चेंजेस करके लिख सकते हैं, इसी ऐसे किसी आर्टिकल को। तो अभी तो करेंटली फैल ही रहा है, तो यहाँ पर ये लाइन सही है, इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। कोविड-19 वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019। कोविड-19 को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था दिसंबर 2019 में इन वुहान सिटी ऑफ चाइना, ठीक है, चाइना के वुहान सिटी में। कोविड-19 इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द नोवल कोरोना वायरस। कोविड-19 एक प्रकार की डिजीज़ है जो कि एक नोवल कोरोना, नए प्रकार का जो कोरोना वायरस है उसके द्वारा फैलती है। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन फैल सकती है। इट इज़ स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में फैल रही है। एंड नोवल कोरोना वायरस, यहाँ पर आपने एक पिक भी अच्छी तरीके से बना दी, जिससे से शिवांगी ने यहाँ पर बना रखी है। कोविड-19 स्प्रेड्स मेनली बाय ड्रॉपलेट्स, तो कोविड-19 जो है वो स्प्रेड करता है, फैलता है मेनली बाय ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट होती हैं, जो बूंदें होती हैं, प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कफिंग, जैसे कि कफ करने के बाद या छींकने की, स्नीच करने के बाद जो ड्रॉपलेट्स जो गिरती हैं उसके द्वारा मेनली फैलता है। ऑफ अ कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन, जब भी कोई कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन छींकता या खांसता है। दिस कैन हैपन इन टू वे, ये दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से ये फैल सकता है। फर्स्ट डायरेक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट, पहला है डायरेक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट, यदि कोई व्यक्ति सीधे संपर्क में आता है। वन कैन गेट द इन्फेक्शन बाय बीइंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद कोविड-19 पर्सन, तो कोविड-19 पर्सन के अगर आप संपर्क में आते हैं तो आप को ये हो सकता है, अगर आप विद इन 1 मीटर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप 1 मीटर से भी कम के दायरे पर हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, स्पेशली इफ दे डोंट कवर दियर फेस मास्क, और ख़ासतौर से तब जब वे अपना फेस मास्क, फेस कवर नहीं करते, वैन कफिंग और स्नीजिंग, खांसते समय और छींकते समय। सेकेंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो ड्रॉपलेट हैं प्रोड्यूस्ड बाय कोविड-19, कोविड-19 के पर्सन के द्वारा अगर छोड़ी जाती हैं इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा, तो सर्वाइव ऑन द सर्फेस, वो सर्फेस पर रह सकता है, क्लोथ्स पर रह सकता है कई घंटों तक। सो टचिंग सच इन्फेक्टेड, इस प्रकार से आप इन्फेक्टेड सर्फेस को अगर आप टच करते हैं, एंड देन टचिंग वंस माउथ, और किसी के मुंह को छूते हैं, नाक को छूते हैं या आँखों को छूते हैं, कैन ट्रांसमिट डिजीज, तो क्या हो सकता है, ये क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, डिजीज को फैला सकता है। द कॉमन सिम्टम्स जो हैं इस डिजीज के कॉज्ड बाय नोवल कोरोना वायरस आर फॉलोइंग, वो है फीवर, ड्राई कफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, कोल्ड हो गया, सोर थ्रोट हो गया, ठीक है, गले में दर्द हो गया, हेडेक हो गया, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है, आपको टेस्ट और स्मेल का पता नहीं चलेगा, चेस्ट पेन हो गया, छाती में दर्द हो गया, तो इस तरीके के आपको नॉर्मल लक्षण आपको दिख सकते हैं। तो ये सीवियर से, तो ये नॉर्मल से सीवियर तक हो सकते हैं। सम पीपल विद द इन्फेक्शन, सम पीपल जो इन्फेक्शन वाले होते हैं बट विदाउट एनी सिम्टम, कुछ नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनमें इन्फेक्शन तो हो गया होता है लेकिन सिम्टम कोई नज़र नहीं आता है, कैन ऑल्सो स्प्रेड डिजीज, वो भी डिजीज़ को फैला सकते हैं।
दिस पैनडेमिक हैज़ फोर स्टेजेस, तो इस पैनडेमिक के चार स्टेज है, स्प्रेडिंग दैट आर, जो स्प्रेडिंग कर रहे हैं, फैला रहे हैं इस बीमारी को। अब प्रिकॉशंस क्या हैं, प्रिकॉशंस अब कौन कौन से, तो प्रिकॉशंस अब आप पढ़ लीजिए, प्रिकॉशंस सावधानी क्या रखनी है। बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अगर आप बेस्ट तरीके से आप पूछते हैं तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अगर आप अपने आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से बचने के लिए, इज बाय यूजिंग द सम डेली हैबिट, तो आपको कुछ दैनिक हैबिट अपनानी पड़ेंगी विद दैट हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मैनी वायरस, जो कई प्रकार के वायरस को फैलने से भी रोकता है, इंक्लूडिंग द कॉमन कोल्ड एंड इनफ्लू, टू हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज ऑलवेज। तो जो अगर आपको इन चीज़ से बचना है तो क्या क्या आप कर सकते हैं, अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद पीपल हु आर सिक, तो सबसे पहले तो अवॉइड करें क्लोज कॉन्टेक्ट, लोगों के संपर्क में ज़्यादा नज़दीक ना आएँ, उनसे दूर रहें जो बीमार हैं, अपने हाथों को धोएं साबुन से और पानी से बार बार, वॉश विद सोप और साबुन से धोएं, वाटर से धोएं फॉर 20 सेकेंड, इफ़ सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल, अगर साबुन और जो पानी है नहीं अवेलेबल है तो आप उस समय अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का भी यूज कर सकते हैं, हैंड रब कर सकते हैं अपने हाथ में। अवॉइड टचिंग योर आइज, और अपनी आँखों को, नाक को और मुंह को टच करने से जितना हो सके बचें, विद अनवॉश हैंड अगर आपने हाथ धोए नहीं है। स्टे होम, घर में रहें, व्हेन यू आर सिक, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, कवर योर कफ और स्नीज विद आर टिश्यू, तो आप जब खांसते हैं तो स्नीज करते हैं तो उस समय आप अपने माउथ को, कवर योर माउथ, ओके, तो अपने मुंह को ढक लें, देन थ्रो द टिश्यू, और उसके बाद टिश्यू पेपर को या ट्रैश को उसको कचरे के डब्बे में, इन ट्रैश में फेंक दें, कचरे के डब्बे में फेंक दें। फिर कीप सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और डिसइंफेक्ट फ्रिक्वेंटली टच्ड ऑब्जेक्ट एंड सर्फेस, जिस भी आपको, जिस चीज़ को भी इन्फेक्टेड चीज़ को छुआ है उसको आप डिसइंफेक्ट कर दें, जैसे सैनिटाइजर का यूज कर सैनिटाइज कर दें उसको। अब अगला है, आर ह्यूमंस आर डिजीज, क्या मनुष्य जो है वो डिजीज है, बीमारी है धरती के लिए, इज कोरोना वायरस अ मेडिसिन फॉर इट, क्या कोरोना वायरस एक मेडिसिन साबित हुआ है। तो द पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है लॉकडाउन के ड्यूरिंग COVID-19 ऑन नेचर आर फॉलोइंग, तो कोरोना वायरस के चलते, COVID-19 आउटब्रेक के चलते जो लॉकडाउन लगा उसके फ़ायदे क्या क्या हुए। नंबर एक, तो होली गंगा जो है, पवित्र गंगा जो है, जो कभी पवित्र नहीं होती थी और जिसके लिए लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए जाते थे, वो क्लीन हो गई पहले से ज़्यादा, वॉज फाउंड मोर क्लीन दैन बिफोर, तो ज़्यादा क्लीन हो गई पहले से ज़्यादा। और जो क्वालिटी है एयर की इन द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, ज़्यादा जो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र हैं इंडिया के, दिल्ली जैसे है, इंक्रीज्ड, तो उनकी क्वालिटी बढ़ गई, एंड द ब्लैक स्काई टर्न्ड इनटू ब्लू, और काले बादल, जो काले स्काई थे वो ब्लू हो गए, साफ हो गए और नीले कलर के दिखने लगे। 2020 में द लोएस्ट पॉल्यूशन जो हुआ था, जो सबसे कम प्रदूषण जो था वो रिकॉर्ड किया गया था, लास्ट 20 ईयर्स में रिकॉर्ड किया गया 2020 में, और मैं काफ़ी जो रिवर्स हैं, वाटर जो था वॉज फाउंड मोर क्लीन, वो ज़्यादा क्लीन हो गया दैन द पास्ट टाइम। तो बट इफ़ लॉकडाउन हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट, लेकिन यदि अगर लॉकडाउन के पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, इट हैज़ ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एंड इकोनॉमी, ह्यूमन और इकोनॉमी। तो यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि तो यहाँ पर ज़्यादा जो पहले लॉकडाउन, बिफोर लॉकडाउन कैसी थी, जो ज़्यादातर, और आफ्टर लॉकडाउन कैसी हुई, बिफोर लॉकडाउन पृथ्वी उदास थी, अब खुश हो गई, और यहाँ पर देख रहे हैं आप व्हीकल चल रहे हैं और यहाँ पर जो फैक्ट्री हैं वो चल रही हैं, और उसके बाद लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद हो गया था, तो देखिए कितना ज़्यादा पृथ्वी जो है वो स्माइल कर रही है, अर्थ स्माइल कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू UNDP के अनुसार, ड्यू टू लॉकडाउन, जो लॉकडाउन हुआ था ड्यू टू डाउन इकॉनमी के चलते, जो पॉवर्टी है वो ये मानते हैं कि लॉकडाउन के कारण, क्योंकि उस समय इकॉनमी डाउन हो गई और इसके कारण गरीबी बढ़ी है, एंड इन द प्रोग्रेसिंग कंट्री, और जो देश डेवलपिंग कंट्री हैं, देयर वुड बी 25% मोर पुअर पीपल, तो गरीबी ज़्यादा हो जाएगी, 25% ज़्यादा हो जाएगी ऐसे देशों में जो विकासशील हैं। सम अदर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हैं कोविड 19 के, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन
इन्फेक्शन, अगर हमें इन्फेक्शन को रोकना है कोविड-19 के, गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज हो तो इसके लिए रोकने के लिए कई सारे जो देशों की सरकार थी उन्होंने डिक्लेयर किया था लॉकडाउन, उन्हें लॉकडाउन डिक्लेयर करना पड़ा फॉर सम मंथ, कुछ महीनों के लिए। इट लेफ्ट मैनी पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसके कई सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए ह्यूमन लाइफ पे एज वेल। इट प्रोवाइडेड मैन, इसने मनुष्य को कुछ लाइजर दिया, कुछ खाली समय दिया कि वो टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, कि वो अपना काफ़ी समय अपने परिवार को दे सकें। होमली एटमोसफियर, जो घर का वातावरण था फिर से जीवित हो उठा, अगेन अलाइव अगेन। चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स, बच्चे खुश थे अपने माता पिता को देख के। स्पेंडिंग टाइम विद देम, और उनके साथ समय बिताकर वो बहुत खुश थे, और पत्नियां भी खुश थीं कि उनके जो पति हैं उनके घर के कामों में मदद कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन गैप जो था एक तरीके से जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में था वो भी लगभग ख़त्म सा हो गया। रिलीजियस प्रोग्राम्स लाइक रामायण, और जो धारावाहिक थे रिलीजियस प्रोग्राम जो थे लाइक रामायण और महाभारत जो टेलीविज़न पे दिखाए गए, वंस अगेन इस्टेब्लिश मॉरल वैल्यू, तो इन्होंने दोबारा से मनुष्य के अंदर नैतिक मूल्यों को भी विकसित किया। इस तरीके से फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हुआ है। यहाँ पर एक थोड़ा सा एक पिक बना रखी है, यहाँ पर एक इमेज बनाइए, ड्रॉ कर रखा है। दस द लॉकडाउन, इस तरीके से अगर हम देखें कि लॉकडाउन ने क्या किया है, स्ट्रेंथन किया है, ताकतवर बनाया है मनुष्य के संबंधों को। मैन हु वॉज ऑलवेज बिजी इन अर्निंग मनी, आदमी जो हमेशा पैसे कमाने और हरी एंड वरी और हमेशा चिंता और भागदौड़ में लगा रहता था, ऑल्सो गॉट सम लाइजर, उससे भी खाली समय मिला अपने आप के लिए, खुद के लिए। दिस लॉकडाउन मेड मैन फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग, इस लॉकडाउन ने मनुष्य को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाया है। इट ऑल्सो टॉट मैन हाउ टू सर्वाइव, इसने मनुष्य को ये भी सिखाया कि भाई कैसे सर्वाइव कर सकते हैं आप एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, विपरीत परिस्थितियों में भी, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में विपरीत परिस्थितियों में भी आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ ऑन ह्यूमन लाइफ, तो जो लॉकडाउन था ब्रॉक डाउन द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, इसने क्या करा, देश की जो रीढ़ की इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी थी उसको लगभग तोड़ ही दिया था दुनिया की। नन डिड नॉट रिमेन अनटच, और कोई भी अछूता नहीं रहा, वेदर इधर रिच और पुअर, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, फ्रॉम लॉकडाउन से कोई भी बचा नहीं। एंड फॉर द पीपल बिलोंग टू द मिडिल क्लास, और जो लोग मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से बिलोंग फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके लिए टू अर्न लिविंग, अपनी आजीविका कमाना, अपनी रोजी रोटी कमाना बिकेम इम्पॉसिबल, लगभग असंभव सा हो गया। ड्यू टू लॉकडाउन मैनी पीपल बिकेम जॉबलेस, और जॉबलेस हो गए कई लोग लॉकडाउन के कारण, कई सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। इट ऑल्सो अफेक्टेड एजुकेशन बैडली, इसने शिक्षा को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। स्टूडेंट्स आर गेटिंग ऑनलाइन एजुकेशन, स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन तो पा रहे हैं, बट ड्यू टू स्पेंड मैनी आवर्स ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल, लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताने के कारण ऑनलाइन एजुकेशन के लिए चिल्ड्रन की जो आईसाइट है वो अभी भी इफेक्टेड हो रही है बैडली, बुरी तरीके से। मोरवर चिल्ड्रन होल हुज, और इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं हुज पेरेंट्स आर एजुकेटेड, जिनके माता पिता एजुकेटेड हैं, कैन गेट हेल्प फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो तो अपने माता पिता से हेल्प पा सकते हैं, बट वट अबाउट दो चिल्ड्रन, क्या उन माता पिता का क्या, हुज पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड, जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। दिस प्रॉब्लम बिकम्स वर्स, ये जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा वर्स हो जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट नर्सरी टू फिफ्थ क्लास, जब हम नर्सरी से फिफ्थ क्लास के बारे में बात करते हैं। हु ऑलवेज नीड अ पर्सन डूइंग देयर स्कूल वर्क, जिन्हें हमेशा अपने काम करने के लिए मदद की ज़रूरत होती है, तो नर्सरी के से जो LKG UKG और प्राइमरी में पढ़ते, तो ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, इनको किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत होती है, अपने आप नहीं कर सकते हैं, तो अगर जिनके माता पिता नहीं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, गार्जियन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम ये फेस की गई है। दस लॉकडाउन हैज़ ब्रॉट प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन लाइफ, तो इस तरीके से अगर देखें तो लॉकडाउन कई सारी समस्याएं लेके आया। कोविड-19 विल नॉट रन अवे फ्रॉम आवर लाइफ, कोविड-19 हमारी ज़िंदगी से एक दिन में नहीं जाएगा, एक या दो दिन में नहीं जाने वाला, या एक या दो सालों में नहीं जाएगा। वर्ल्ड साइंटिस्ट आर इंगेज्ड टू फाइंड, तो वर्ल्ड साइंटिस्ट बिजी हैं फाइंड आउट वैक्सीन को बनाने के लिए, और फॉर कोविड-19। टिल देन, तब तक वी नीड टू ब्रिंग चेंज इन आवर लाइफ, तब तक हमें ज़रूरत है कि हम चेंज लेकर आएँ अपनी जीवन शैली में। एंड वी नीड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, हमें ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग की बनाए रखने की। एंड मेक वियरिंग मास्क और हैबिट, और मास्क को अपनी हैबिट में बनाए रखने की। वी डोंट नीड टू फॉर द फियर द डिजीज, हमें इस डिजीज से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फाइट। तो हिस्ट्री गवा रही है दैट लाइफ ऑलवेज ओवरकम थी, कि जीवन ने हमेशा बीमारी के ऊपर विजय पाई है। दिस इज़ नॉट फर्स्ट पैनेडेमिक, ये कोई पहली महामारी नहीं है। श्योरली सून वी विल ओवरकम दिस डिजीज, शीघ्र ही हम इस डिजीज पर हम विजय हासिल कर लेंगे।
तब तक के लिए कीप फाइटिंग अगेंस्ट द कोविड-19। सो आई वुड लाइक टू थैंक शिवांगी टू राइट दिस ऐसे इन हर हैंड राइटिंग। ओके, और मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है, तो हिंदी भी और इंग्लिश में आपको दोनों मदद हो जाएगी। तो कोविड-19 के क्या एक और ऐसे जो है जिसमें हमने हिंदी में एक निबंध लिखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें हमने ये बताया है कि पर्यावरण पर, जिसमें केवल ये फोकस किया गया है पर्यावरण के ऊपर क्या फ़ायदे हुए ये कोविड-19 है, ये महामारी जो है कैसे कोविड-19 की महामारी किस प्रकार से पर्यावरण के लिए वरदान साबित हुई है, पर्यावरण को क्या क्या फ़ायदे हुए, उस पर पूरा फोकस किया गया था। तो आप उसे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके शिवांगी ने लिखा था। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आगे भी आपको इस तरह से जो एजुकेशनल मैटर है, जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।